रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खरीद से होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो पेमेंट मेथड्स के ऊपर है कि आप लोग अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स से पेमेंट किस तरह से ले सकते हैं अगर आपके पास फाइबर अकाउंट नहीं है या आपके पास अपवर्क अकाउंट नहीं है या अगर आपके पास है आपके क्लाइंट के पास नहीं है। तो क्योंकि अपवर्क और फाइबर पे तो 20% कमीशन देना पड़ता है, ये आप लोग जानते हैं, और अपवर्क पे एक और प्रोसीजर है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, उस पर मेरी वीडियोज हैं कि उसमें 3.4% आपको जो है कमीशन दे के तो पेमेंट मिल जाती है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द सोर्स जाके करना चाह रहे हैं कि इनसे अलावा आपने पेमेंट लेनी है किसी क्लाइंट से, डायरेक्ट आपका क्लाइंट है, फेसबुक से मिला है, व्हाट्सएप से मिला, कहीं से भी आपका डायरेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उससे पेमेंट कैसे लेनी है जिसमें कमीशन भी ना हो, कोई फीस भी ना देनी पड़े, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं और उनमें से किसी एक पे आज बात करते हैं। तो उनमें से एक है ट्रांसफर वाइज। अभी वैसे उसका नाम जो है वो चेंज हो गया, ट्रांसफर वाइज से उन्होंने वाइज कर दिया। अब इसमें होता क्या, आपने पेमेंट लेने का तरीका कार क्या है, आपका जो क्लाइंट है वो ट्रांसफर वाइज के जरिए आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट जो है वो ट्रांसफर कर देगा। आप उसको सिर्फ अपने बैंक की डिटेल्स देंगे। बैंक की डिटेल्स कौन सी देनी है, जो चेकबुक के ऊपर पूरा IBAN नंबर लिखा होता है ना, IBAN नंबर, IBAN नंबर भी इसको कहते हैं, वो टोटल आपने नंबर देना। उसके अलावा स्विफ्ट कोड देना आपके बैंक का। स्विफ्ट कोड होता है, स्पेशल कोड होता है, हर बैंक का जो है अपना कोड है स्विफ्ट कोड, और ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है। तो आपने वो स्विफ्ट कोड भी साथ देना है और IBAN नंबर देना है। ये दोनों चीज़ें देंगे, क्लाइंट आपका जो है वो आपको ट्रांसफर वाइज के जरिए, या उसको आप वाइज कह दें बजाय ट्रांसफर वाइज कहने के, वो उसके जरिए आपको जो पेमेंट है वो डायरेक्ट भेज देगा और वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, पेनियर वगैरह जो है वो तो आपको यूज़ होता है अपवर्क पे और फाइबर पे, अपवर्क पे भी आप निकलवा सकते हैं पेनियर के जरिए, और फाइबर के लिए तो मस्ट है, उसके ऊपर भी मैं मेरे ख्याल वीडियोस बना चुका हूँ आई थिंक। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होगा, अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो वाइज, ट्रांसफर वाइज के जरिए आप जो है वो पेमेंट ले सकते हैं। बहुत सिंपल तरीकेकार है और ईजिली आपका जो है इधर से पेमेंट क्लाइंट आपको भेजेगा और आपके अकाउंट में आ जाएगी, बैंक अकाउंट में। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहा करें। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह भी कर दिया करो यार, अच्छी बात है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।